जी देखिए सर, ये चीज़ आपकी ढीली थी, मशीन में आपने वीडियो बना के भेजा था, उसकी वजह से बत्ती नीचे से खुली बन रही थी, बत्ती ख़राब बन रही थी। तो अगर ये प्रॉब्लम है आपकी मशीन में सर, तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले काम ये करना है कि ये मशीन वाला तेल ले लेना, 20 रुपये वाली जो शीशी आती है वो यहाँ पर डाल देना सर, इसके पीछे जो है पॉइंट पीछे वाली रोड में वहाँ डाल देना, इधर यहाँ पर डाल देना सर, यहाँ पर डाल देना। ज़्यादातर केस में तेल डालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर, क्योंकि इधर कचरा वगैरह फंस जाता है तो ये पूरा ऊपर तक नहीं लिपट जाती है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तेल डालने से 99% ठीक हो जाएगा, अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है सर, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों पेच ढीले करने हैं सर, और इधर के भी दोनों पेच ढीले करने हैं, उसके बाद मशीन को चला देना है। मशीन चला देंगे तो आप देखेंगे ये जो पहले गैप था ये गैप ख़त्म हो गया। उसके बाद इन दोनों पेचों को कस देना है, इधर भी कस देना है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सर, दोनों डाई बैलेंस हो जाएंगी। और नहीं तो जो पहला तरीका बताया, तेल डालने के बाद 1-2 मिनट मशीन चलाना, ये कवर हो जाएगा। अगर कवर नहीं होता है तब ये दूसरा तरीका आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे आपकी मशीन सही चलने लगेगी।